नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डिजाइनर शिवम कुमार और स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल स्टडी हॉल पे। तो जैसा कि आपको हम बता दें कि हमने कोरल ड्रॉ का फुल ट्यूटोरियल वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं अपने इस चैनल पे। तो सबसे पहले आपको आज हम बताएंगे इस चैनल पे कोरल ड्रॉ अपने पीसी या लैपटॉप पे कैसे ईजिली इंस्टॉल किया जाता है और आप कहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहें लास्ट तक, और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो सबसे पहले हमको कंप्यूटर खोल लेना है, ठीक है। तो मेरे पास कोरल ड्रॉ डाउनलोड किया हुआ है, और अगर आपको डाउनलोड करना है तो हम आपको बता देते हैं आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल पर जाइए, गेट इंटू पीसी टाइप करें ऊपर, और जो खुलेगा पहला वेबसाइट ये, इस पे आपको ओके कर लेना है। जैसे ही ये वेबसाइट खुल जाएगा तो आपको इसमें टाइप करना होगा कोरल ड्रॉ यहाँ पे, कोरल ड्रॉ, और इंटर कर देना है। देखिए यहाँ पे बता रहा है 52 को कोरल ड्रॉ है। इसमें आपको जॉन भी लेना है, यहाँ से आप उठा सकते हैं, बशर्ते आप एक बार थोड़ा सा खोल कर देख लीजिएगा, जिसे 20 अगर लेना आपको है तो 20 को आप एक बार खोल कर चेक कर लें यहाँ से, कि जो ये रिक्वायर्ड मांग रहा है कंप्यूटर आपका, वो कंप्यूटर सब है या नहीं है। तो आपको सबसे पहले नीचे कीजिएगा तो देखिए इसका फाइल सेटअप जो है वो 5.5 GB का है। और दूसरी बात, ये जो कॉन्फ़िगरेशन मांग रहा है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये 7, 8, 8.1 और 10, यानी कि ये चारों विंडोज में आपका चलने वाला है। और यहाँ पे हार्ड डिस्क स्पेस 3 GB मांग रहा है, रैम कम से कम 2 GB, और प्रोसेसर आपका आई सीरीज में होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ i3। और आपको सीधे यहाँ से कर लेना है डाउनलोड, और अगर फाइल पासवर्ड मांगे तो ये पासवर्ड आप डाल दीजिए उसमें। That solve। अब हम आपको चलते हैं इंस्टॉलेशन की ओर लेके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मेरे पास कोरल ड्रॉ पहले से है, तो ये है मेरा कोरल ड्रॉ, जैसा कि हम वहीं से डाउनलोड किए हैं कोरल ड्रॉ 20। तो हमें क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है सिंपल, और यहाँ से देखिए सेटअप है, सेटअप को फाइल को ओपन करेंगे। और दूसरी बात आपको हम ये बता देते हैं कि सबसे जो बात है अहम, वो आपको सबसे पहले आपका नेट को जो है वो कर देना है डिस्कनेक्ट, ठीक है। और दूसरी बात है, आपके पास जो कोई एंटीवायरस है तो आप उसको कर दीजिए क्लोज, जैसे कि हम यहाँ पे क्लोज कर दिए हैं। उसके बाद दैट सेटअप आपका ये है एप्लीकेशन, इसको हमें कर देना है यहाँ से राइट क्लिक करके ओपन। जैसे आप ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे लिख रहा है डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंज टू योर डिवाइस, हमको इसी में डालना है, सी में ही, तो हम कर देंगे यहाँ पे यस। जैसे ही हम यस करेंगे तो देखिए यहाँ मेरा कोरल इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है, और ये यहाँ पे सारा चीज़ मांग रहा है। तो आप देख सकते हैं ये सब मेरे पास है ऑलरेडी, हम कर देंगे यहाँ से कंटिन्यू। आई हैव एग्रीमेंट, जो भी इसका टर्म कंडीशन वो हमें मंजूर है। अब देखिए कस्टम इंस्टॉलेशन का मतलब है कि हमको इसमें से जो चाहिए वही इंस्टॉल करेंगे, और अगर आपको फुल करना है तो फुल आप यहाँ से सब पे टिक मार के डायरेक्ट ओके कर लीजिए। हमें केवल यहाँ से ये चाहिए और एक ये चाहिए फॉन्ट नेविगेटर, ठीक है। तो अब हम कर देंगे यहाँ से नेक्स्ट, यहाँ से इस पर टिक रहेगा, इस पर टिक रहेगा, इस पर टिक रहेगा, ये सारा टिक रहने देना है। अगर आपको डेस्कटॉप पे चाहिए आइकन तो यहाँ पे आप इस पर इंस्टॉल डेस्कटॉप शॉर्टकट, इस पर टिक रखना है, कर देना है नेक्स्ट। अब ये फाइनली पूछ रहा है कौन सा ड्राइव में आपको ये कोरल ड्रॉ चाहिए, तो हमें चाहिए दूसरे किसी ड्राइव में, और वो हम इसको यहाँ से देंगे ऐसे शिवम में हमको चाहिए, और हम कर देंगे इंस्टॉल नाउ। अब देखिए जैसे ही हम इंस्टॉल नाउ करेंगे तो मेरे कंप्यूटर में एक चीज़ लगा हुआ है, वो है SSD। SSD रहने के बाद आपका कंप्यूटर में जल्दी से इंस्टॉल होगा। तो अभी हम इसको इंस्टॉलेशन मोड में डाल चुके हैं,
तो तब तक के लिए आपको हम एक चीज़ और बता दें कि अगर आप लोग ग्राफिक्स डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर जितने भी ग्राफिक्स डिज़ाइन का सॉफ्टवेयर है वो सारे चलाने के लिए बताते हैं हिंदी में। तो जैसे कि आप फर्स्ट में ले लीजिए कोरल ड्रॉ, सेकेंड में ले लीजिए फोटोशॉप, और थर्ड में ले लीजिए आप इलस्ट्रेटर। तो जैसा कि आपको हम बता दिए हैं कि सारे प्रोग्राम पर हम काफ़ी अच्छे तरह से डिज़ाइन बनाने के लिए बताते हैं, तो आप उसको ओपन करें और वहाँ से डायरेक्ट आप सीख सकते हैं। और अगर नए हैं आप लोग तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आपको किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में अगर प्रॉब्लम हो रहा हो, या फिर इंस्टॉल करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ आपने कैसे किया, तो हम निश्चित ही उसको रिप्लाई देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि मेरा कंप्यूटर में 50% इंस्टॉलेशन हो चुका है, हो सकता है आप लोग का कंप्यूटर में थोड़ा स्लो हो, तो आप ये सब के लिए टेंशन नहीं लें, धीरे धीरे हो जाएगा इंस्टॉलेशन आपका। और अगर आप फास्ट काम करना चाहते हैं तो SSD लगाइए अपने कंप्यूटर में, तो आपका कंप्यूटर जो है वो 10 गुना रफ्तार से चलेगा। और ये मेरा 100% दावा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितना जल्दी मेरे में ये कोरल ड्रॉ इंस्टॉल हो चुका है। 6 GB का सॉफ्टवेयर है ये, और लगभग आधा से ज़्यादा इंस्टॉल हो गया है मेरा। तो अब देखिए यहाँ पे ये फाइनली इंस्टॉल हो चुका है, और अब ये मांग रहा है और ईमेल ID, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कर देंगे क्लोज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कर देंगे क्लोज और कर देंगे यस। तो अब हमको क्या करना है, सीधे चलना है अपने डेस्कटॉप पे। तो डेस्कटॉप पे देखिए जैसा कि हमारा ये आइकन बन के आ चुका है, तो अब हम आपको इसमें बताएंगे जो वो आपको अभी तक कोई भी नहीं बताया होगा। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा मेरा वीडियो को। जैसे हम इस पर इंटर करेंगे तो ये मेरा कोरल ड्रॉ ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे मांगेगा ईमेल ID और पासवर्ड। तो इसको दूर करने का एक सरल उपाय है और बहुत ही आसान है, तो आप लोग देखिए और सीख लीजिए। आपको हम बता देते हैं क्या करना है। सबसे पहले चलना है आपको यहाँ से कंप्यूटर के पास, जहाँ पर मेरा प्रोग्राम खुला हुआ था। तो आप आइए वापस इसमें और हो जाइए यहाँ से पीछे, और ये देखिए ये जो फाइल है पैच फाइल्स 64, इसको आप कर लीजिए कॉपी। कॉपी करने के लिए आप सब जानते हैं, कॉपी कीजिए और जहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर को डाला उस ड्राइव पे हम आपको ले चलते हैं डायरेक्ट। तो अब आप देख सकते हैं कि ये मेरा कोरल ड्रॉ का जो है ये साइट मेरा आ चुका है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें सीधे चलेंगे यहाँ से विंडोज़ में, और विंडोज़ में जाने के बाद चलेंगे प्रोग्राम में, और प्रोग्राम में आने के बाद कोरल ड्रॉ में जाएंगे, और कोरल ड्रॉ में जाने के बाद हम यहाँ आएंगे, और इसमें आने के बाद इसको कर देंगे यहाँ से रिफ्रेश, ठीक है। रिफ्रेश हम जैसे ही करेंगे तो ये जो मेरा कोरल ड्रॉ है ये ऑटोमेटिक शायद चल पड़ेगा, ठीक है। तो आपको हम यहाँ से सीधे दिखा देते हैं कैसे ये चलता है। इसके आगे इसमें और कुछ भी नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रिएटिंग एप्लीकेशन इन्वायरमेंट लिख चुका है, यानी कि अब ये मेरा थोड़ा ही देर में ओपन हो गया। और ये देखिए आपका ओपन हो चुका है कोरल ड्रॉ, और आप अब इसको जितना भी दिन चलाना चाहते हैं आप चला सकते हैं, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। आपको हम यहाँ पे कुछ वर्क भी करके दिखा देंगे इसमें, जैसे कि यहाँ से हम एक न्यू पेज ले लेंगे। तो देखिए ये मेरा न्यू पेज आ चुका है, और विशेष जानकारी के लिए अगर आपको कुछ चाहिए तो आप चलिए यहाँ से टूल्स में, और चलिए इसमें आपको दिखाते हैं एक चीज़, वर्क्स में आइए, अपीयरेंस में जाइए, और यहाँ से आप इसको कर लीजिए ब्लैक मोड, या फिर मीडियम, या फिर डार्क। हम डार्क पे ही रखते हैं हमेशा। अब देखिए आपका ये कोरल ड्रॉ ईजिली इंस्टॉल हो चुका है, और इसमें ये वर्क भी आपका 100% करेगा, ये मेरा गारंटी है। और अगर नहीं करे तो आप हमें निश्चित कमेंट करके पूछ सकते हैं इस वीडियो में कि सर आपने ये कैसे किया और हमसे ये चीज़ नहीं हो रहा है। तो चलिए अभी हम आपको इसमें कुछ दिखाते हैं मज़ेदार चीज़ बना के। तो जैसे कि हम इसमें आपको एक ब्लेंड करके दिखाते हैं, तो ब्लेंड का मतलब होता क्या है वो पहले आप समझ लीजिए। ब्लेंड जो है वो एक तरह का पार्ट्स है कोरल ड्रॉ का, जो कि आप खुद भी इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे ऊपर, और यहाँ से हम चलेंगे ब्लेंड टूल में। ब्लेंड टूल में जाने के बाद हम इसको कर देंगे ऐसे, तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरा एक शेडो टाइप का बन चुका है, ठीक है।
अब हम इसको क्या करेंगे, जैसे ही मन होगा हमको यहाँ ने ऐसे रखने का, तो ऐसे भी हम रख सकते हैं, इसको ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी रख सकते हैं, मतलब तो जैसे भी आपको इच्छा होगा आप वैसे इसको इस तरह से आप इसको रख सकते हैं। आप बहुत से जगह पर देखते होइएगा कि आपको इस टाइप का देखने का चीज़ मिलता होगा, तो आप यहाँ पर ये सब चीज़ इसमें क्रिएट कर सकते हैं आसानी इजीली तरीके से। जैसा कि देखिए लोग कहता है 3D डिज़ाइन बनता है कोरल ड्रॉ में, तो वो सब गलत है, 3D डिज़ाइन नहीं बनता है इसमें, यही सब टाइप का बनता है। तो आप लोग इसको इंस्टॉल करें अपने PC में और हमारे वीडियो को देखें, और अगर कहीं पर दिक्कत हो गई तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर पूछ लें। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त, और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को हो सके तो शेयर करें और एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।